राजधानी लखनऊ के इजाबेल थोबन कॉलेज की अध्यक्ष डॉक्टर ईएस चार्ल्स और निदेशक डॉक्टर दीपिका डेल्सा दीन कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज में शुरू किए गए नए प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इजाबेल थोबन कॉलेज पहला EKTU संबद्ध कॉलेज है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में BTech कोर्स प्रदान करता है जो मैथ्स तथा बायोलॉजी दोनों महिला छात्रों के लिए उपलब्ध है। जी मैम, हम लोग जो है अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को शुरू करने जा रहे हैं, BTech के कोर्सेज को। तो हमने 4 कंप्यूटर बेस्ड BTech कोर्सेज जो है शुरू करने का इस समय शुरू किया है। पहला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये 4 कोर्सेज हमने शुरू किए और BBA भी हमने शुरू किया। जी हमारी जो 3 ब्रांचेस है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, CS CSIT, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे जो हैं आ सकते हैं, और जो हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो दोनों के बच्चे आ सकते हैं। इसमें आने के लिए जो है उनको डायरेक्ट एडमिशन्स भी हैं और उनके काउंसलिंग के थ्रू भी, ZE मेंस का पेपर देते हैं PCM के बच्चे तो वो उसके थ्रू आ सकते हैं, और जो BI के बच्चे हैं वो आप CUT का पेपर होता है उसके थ्रू आ सकते हैं UPTech की काउंसलिंग द्वारा। लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, ये एक नया कदम है ताकि वो आज के ज़माने में, आज का जो इस समय जो करंट सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें भी आगे वो प्रोग्रेस कर सकें और आगे अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा सकें। मैम इसके लिए क्या कहेंगे? मैं सोचती हूँ आज की तारीख में दुनिया भर में स्टेम कोर्सेज की बड़ी पूछ है, और हिंदुस्तानी जहाँ भी जा रहे हैं, आप किसी भी देश में जाइए तो आपको स्टेम कोर्सेज में हिंदुस्तानी मिलते हैं, और वहाँ बल्कि लोग कहते हैं कि अरे इंडियंस आर वेरी गुड एट स्टेम कोर्सेज, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं मैथ्स उतने अच्छे से जितने इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे को लगा कि हमेशा हम लोग जब विजुअलाइज करते हैं तो हमेशा आदमी देखते हैं, जबकि हमारी लड़कियां भी पढ़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा कॉलेज क्योंकि एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स था, पर कभी किया नहीं स्टेम में हम लोग, वैसे हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है पुराने कॉलेज में भी, तो हम लोगों ने सोचा नीड ऑफ द आवर जो है, क्योंकि अभी करियर बन रहे हैं, ये दायरे खुल रहे हैं, अगर शुरू से लड़कियाँ इसमें घुस जाएंगी तो उनकी लाइफ टाइम चेंजेस एंड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये सही वक्त है अब इसको शुरू करने का। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो AKTU में थी भी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो आई मस्ट प्रेज द वाइस चांसलर दैट ही सपोर्टेड अस, और ये हमारे को मौका दिया कि हम यह शुरू कर सके। साउथ में बहुत कॉलेजेस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पर UP में नहीं है, एटलीस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होगा, मगर जैसे रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी लाइक AKTU में नहीं है, तो इसलिए हम बहुत आभारी हैं उनके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़कियाँ जो हमेशा बाहर जाती थी, आई अगर ये करना मांगे, एक तो सबको पता ही नहीं चलता कि ये कोर्सेज एग्जिस्ट भी करते हैं, तो जो कि उसमें लड़कियाँ अपने आप ही बहुत सी अपॉर्चुनिटी खो देती हैं, और बहुत से बच्चे बाहर ही नहीं जा पाते क्योंकि या तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते या घबराते हैं आज के वक्त में भेजने में। नोएडा वोएडा में अगर जाएँ तो वहाँ भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, तो लखनऊ रिलेटिवली इज़ अ सेफ सिटी, और योगी जी और मोदी जी के उससे काफ़ी हम लोग इस मामले में ये हैं, तो अच्छा मौका है कि लड़कियों को भी इस वक्त हम लोग स्ट्रेंथन करें कि वो आगे बढ़ सके इन फील्ड्स में। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।